Hi everybody, assalamu alaikum and welcome to a very special edition of the S Stories right here on Sophiya Anjam's official YouTube channel. और आपको एक बात बताते चलें कि पिछले जितने भी एपिसोड्स हम लोगों ने शूट किए हैं, कभी कोई गेस्ट आ रहा है, कभी मैं सोलो शूट कर रही हूँ, कभी कोई ना कोई चीज़ हम आपको प्रोड्यूस करके देते हैं, पर आज का जो एपिसोड है विच इज़ बेसिकली द 100th एपिसोड, आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड एंड वेरी हैप्पी आई गेस, बिकॉज यू नो जितने भी एपिसोड हम लोगों ने शूट किए थे उसके अंदर मेरा मकसद ये था स्टोरी स्टार्ट करने का कि आप लोगों को ये बताया जाए कि पाकिस्तान में हर किस्म के इश्यूज है दैट नीड टू बी एड्रेस्ड एज अ सोसाइटी, चाहे वो आपके मैरिटल इश्यूज है, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे वो आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, ऐसे इश्यूज हैं जो कि आप और मैं पर्सनली भी रिलेट कर सकते हैं एज इंडिविजुअल्स. सो दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू ब्रिंग अबाउट यू नो एज फार एज द टेंशन इज कंसर्न्ड अमंगस्ट द पीपल हियर इन पाकिस्तान. तो आज जो स्पेशल शो है उसको हमने दो तीन तरीकों से सेलिब्रेट करना है. एक तो ये कि मैंने सोचा कि आप लोगों को बताएं दैट यू नो आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जनरली प्रोफेशनली स्पीकिंग. आई डू रेडियो शोज ऑल्सो, आई डू इवेंट्स एज वेल, आई डू सोशल वर्क एज वेल, आई डू यूट्यूब के शोज एज वेल. सो आई थॉट कि एक इंटरेस्टिंग इंसाइट हम आपको देते हैं ऑन द लाइफ ऑफ सोफिया अंजम, हु आई एम, वॉट आई डू प्रोफेशनली. ये वैसे मेरा आइडिया नहीं था, मेरी जो टीम है ना खासतौर पर दानियाल, उसने सजेस्ट किया था कि ये आप प्लीज़ कर लें बिकॉज पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन योर लाइफ. आई वाज लाइक व्हाई वुड पीपल वॉन्ट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ, एंड ही वाज लाइक नो ट्रस्ट मी पीपल वुड want to know. दूसरी चीज, कोई भी टीम आगे नहीं चल सकती जब तक टीम मेंबर साथ ना हो. तो इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी हमारे टीम मेंबर से वन बाय वन एज वेल, एंड देन लेट्स टेक अ जर्नी इनटू द ब्यूटीफुल सॉर्ट ऑफ यू नो एपिसोड्स दैट वर शॉट थ्रू आउट 100 एपिसोड्स. माशाल्लाह दिस वन इज गोइंग आउट स्पेशली टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द एस स्टोरीज, कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, एंड लेट्स डू दिस. Sorry, actually the thing is, as most of you probably know or probably don't know, I'm so not a morning person, and right now we're on our way to Multan from Lahore. और बड़े मज़े का इवेंट है जो कि जैज़ के 25 ईयर सेलिब्रेट हो रहे हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली द सेकेंड इवेंट बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने लाहौर में ऑलरेडी इवेंट किया था, एंड इट्स रियली एक्साइटिंग. यू नो फॉर मी इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू गो टू अनदर सॉर्ट ऑफ सिटी, बट जो सुबह सुबह ट्रैवलिंग करनी पड़ती है ना, मत पूछे. एनीवे सो राइट नाउ जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ कपल ऑफ पॉइंटर्स. आपको पता है कि जब भी हम लोग निकलते हैं सुबह सुबह तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम तैयार होकर निकलें, बट आई एम जस्ट वेयरिंग माई ग्लासेस फॉर नाउ बिकॉज आई डोंट वांट टू वेयर माई लेंसेज इन द मॉर्निंग. सो दैट्स जस्ट समथिंग दैट यू नो ओनली पीपल हु वेयर लेंसेज विल अंडरस्टैंड. एनीवे सो राइट नाउ वी आर ऑन अवे टू मुल्तान टू सेलिब्रेट 25 ईयर्स ऑफ जैज, एंड वी कीप अपडेटेड एज वी गो. Hello guys, assalamu alaikum. Jian u pakhair agle ni ha chune shume wash male o hai good time is guten morgen ola bonjour privet kaif hal hale shuma chotore al masal marhaba gracias, and ladies and gentlemen a very warm welcome to the S Stories. Woo! First of all ladies and gentlemen, Sophiya, I want to congratulate you that you अच्छा अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और वो ये है कि सोफी के अंदर जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं मैंने आज तक ऐसी कोई खातून नहीं देखी. अगर मैं मिला भी हूँगा तो इतने लार्जर स्केल के ऊपर इतने ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करना खवातीन हज़रात बहुत मुश्किल काम है, एंड यू हैव डन इट, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ योर 100th एपिसोड, एंड मे यू गेट 2000 ट्रिलियन मोर एपिसोड्स. यस लेट्स डू दिस, थैंक यू, चीयर्स, बाय. Congratulations to our homie, S Stories 100 episodes. Respect, high five.
All right, ladies and gentlemen, assalamu alaikum and a very good evening to all of you. Hope that you guys enjoyed the back-to-back session of music that I played for you. It was Beyonce's song called Crazy in Love. It was followed by Shawn Mendes and Camila Cabello with the track called Senorita. And this is one song that, you know, everybody loves and adores as well. So before I jump towards the next song, we have a question. Sawal ye hai aaj ka topic ki discussion that if you talk about 2019 as a year, you know, which word would you like to use? You know, 2019 was a year for what? Was it a year of heartbreak? Was it a year of celebration? Was it a year of change? 0315-111-9191 is the WhatsApp number. So up next we have the weather forecast coming up as well. But abhi ke liye, I think a choti si commercial break play karte hain. And then I've got two songs back to back. Okay, I'm thinking Justin Timberlake with the song called Can't Stop the Feeling. That should be followed by the song called Cake by the Ocean. Stick around, we should be right back. So right now I'm here at Haveli Burger Khana, and you know that Lahore is a very famous Haveli. So I'm basically about to host this very interesting event, which is for a collection, which is called Artia. But before I get into that, you know that today 100th episode we celebrate of the S Stories, and I just wanted to give you guys a little bit of a sneak preview of what's going on. As before, I had this entire shoot all day in which I had people over, you know, for the S Stories shoot. Yesterday we were in Multan shooting for another, you know, sort of like an event. And now I'm just going to give you a little bit of a roundup of what's happening today. Let's go. Okay, everybody, as I promised, I'm going to be making sure that you guys meet my team also of the S Stories. And this time around, the person who is standing here next to me is somebody who is truly very, very special to me. Year mein actually hum ikatthe hote the radio mein, aur dekhi zara bade tayar shayar aaj ho gaya hai. Maine unko pehle hi bataya tha, maine kaha aaj shoot karni zara kapde shapde fill zabardast kisam ke pehen ke aane. Waise he always makes sure that he dresses really nice. Ladies and gentlemen, please warmly welcome Faheed Iqbal. Taliyam. How are you, Faheed? I'm good, aap sunaye? Good, good, good. Let me introduce this guy also. He is also my manager. He manages everything for me. Chahe wo finance ho, wo mere on-ground coverage ho, mere events ho. Ye sab kuch professionally meri life mein jo kuch bhi chal raha hai unko manage karte hain. Aur mujhe yaad hai wo pehla din jab maine inse share kiya tha concept of the S Stories. He didn't say anything. He just said yes. If you are doing this, Miss Sophie, then I am with you. So Faheed, kaisi rahi journey so far? Journey alhamdulillah bahut achhi rahi. Basically main batana chahunga humne inse bahut kuch seekha hai. जब मैंने इनको ज्वाइन किया था 91 में, बिल्कुल छोटा था, स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो ये मुझे कहती थी कि तुम सिर्फ यही करोगे 91 में ही रहोगे, कुछ और भी करो. तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी मैनेज कर रहा हूँ, इनका ब्रांड मैनेजर भी हूँ, इनके पूरे चैनल को यूट्यूब को मैं देख रहा हूँ, सुपरवाइज कर रहा हूँ. मैंने बहुत कुछ सीखा है. थैंक यू सो मच. ये नहीं, एक सेकंड, ये इतने से आप किस तरह थे 91 पे, पहले ये तो बताएं. 91 मैं बिल्कुल छोटा सा था. ये क्या होता है? इतना सा था ना, मैं इंटर करके भी यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन लिया, तो साथ ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी. वैसे दैट इज ट्रू. यू नो व्हेन ही एंटर्ड द रेडियो इंडस्ट्री, ही वाज एक्चुअली अ किड हु वाज स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी. ही डिडंट लुक लाइक अ किड स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी, बट वी एक्चुअली वाज. थैंक यू फहीद फॉर शोइंग अस सो मच ऑफ सपोर्ट एंड लव. आई जस्ट वांटेड एवरीवन टू नो दैट दिस गाय I cannot function without. जब फहीद होता है मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ. सो थैंक यू फहीद, एंड दिस इज स्पेशली फॉर यू. Okay, everybody, so as you know that, you know, I was about to introduce the team, and this person standing right next to me is a very talented individual. Inko hum kehte hain director sahab. Ye hamare YouTube show ke director hain, bahut hi talented hain, bahut hi different freelance projects ke upar bhi kaam karte hain, not just in Lahore but across the country. Ladies and gentlemen, please warmly welcome Daniel Hayat Khan. Taliyan. Hello. डायरेक्टर साहब, कैसे हैं आप आज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बड़ी अच्छी हूँ. बड़ी तैयारी शैली पकड़ी है. मैंने सिर्फ हुडी चेंज किया है. मैं आपको बात बताऊँ, अभी थोड़ी देर पहले एक और कपड़े पहन के बैठे हुए, तो मैंने कहा यार आपकी बारी, जरा कहते एक सेकंड में आता हूँ, फौरन जरा जैकेट चैकेट और सारी चीजें उतार के चेंज कर. वेयरिंग अ कोट तो फिर कहते हैं ना तैयारी करते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स, वेरी कैजुअल. नो नो नो, नथिंग फैंसी ब्रो. अच्छा, सदानिया, व्हाट्स बीन कीपिंग यू बिजी ऑल दीस इयर्स? To be honest, work is my motivation. So like I'm a freelance filmmaker. I work on different projects. मैं काफी TV commercials, film में भी काम किया हुआ है. Different लोगों का, corporates का काम करता हूँ. That's what I like doing. Behind the cameras, what I do, इसलिए लोगों को इतना पता नहीं होता है. But that's what keeps me moving on. And I'm actually excited today, the 100th episode, and you know, ever since we started working, like, you know, humne badi achhi cheez dekhi hai, that actually, you know, means something, that's bringing a change in society. And which one were your favorite sort of shows and episodes of the S Stories that you really enjoyed shooting? I
forgot the person last week humne kisi last week kiya tha. Oh yeah, that anchor, uska bada acha tha. Haan, Ali Haider. Haan, his was really good. Yeah. And then remember that singer who came from Karachi? Yes, I remember. I forgot his name also. Very embarrassing. Reth Van. Nahi, aap naam mention karte ho, usne mujhe maar dena hai. Mujhe pata hai aap kiski baat kar rahe hain. But that episode was good. There was another one, but wo mujhe reference yaad nahi aa raha, but wo bhi bada acha episode was. Theek hai. In general, it's like, I get to meet Vajji, all these. Vajji Farooqi. Yes. Theek hai. And you know, in generally, it's really nice. I get to meet all these people who are actually making difference in the society. Sure. But let me tell you something interesting. आपको पता है Daniel किस तरह आए? हुआ ये था that I originally I'll tell you. Originally, I had somebody else who was taking care of it, and I was getting really ticked off. मैंने कहा यार हद होती है यार, professionally आपने काम करना है तो आप सही तरीके से करो. उनको फिर हमने खुदाफिस कह दिया. फिर एक और टीम आई, वो भी इस तरह लगे हुए थे कि वो टाइम पर भी नहीं आते थे, काम भी नहीं करते थे. मुझे साल से ज़्यादा हो गए टिके हुए, और ये मैं कहीं इतना टिकता भी नहीं हूँ. हाँ, exactly. और मैं हैरान हूँ कि और कहीं ये टिकते नहीं है, हॉपिंग करते रहते हैं. बट आई थिंक विद मी ही इज बीन वेरी स्टेबल एंड वेरी कॉन्स्टेंट. सो दानिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द एस स्टोरीज. कीप अप द गुड वर्क. व्हाट वुड बी अ मैसेज फॉर एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस? मैसेज इज दैट यू नो, आपको कभी भी फील नहीं होता आप किससे कभी मिल सकते हो. आई रिमेंबर गोइंग टू द फर्स्ट कोक फेस्टिवल एंड सीइंग यू ऑन द स्टेज. And then we meet and I'm like, oh, आपको याद है मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी. हाँ, I remember. And I'm like, I made this and you know, like I never had this in mind that I'll be working with Sophie. And you know, आपको life कहीं भी कहीं ले जाती है. And you know, it one advice, work with good people, not work for money. Wow, very nice. Famous last words, ladies and gentlemen. Daniel Hayat Khan, director of TS Stories. Signing off. Allah Hafiz. Hello. Party's already started and the editor is not even invited. Listen, I'm so sorry. It wasn't supposed to be this way. Ladies and gentlemen, let me introduce, okay, the person behind it all at the S Stories, and I'm not kidding. And no, you were not ignored. This guy basically is the editor for the S Stories. He produces the show. Kaise hai aap, Kashi Rahil? How are you? I was feeling ignored, but not left out. We remember you for sure. See, we saved the best for the last. So my question to you is that you've been a part of the S Stories since the very first episode. So how has your journey been so far? I think one thing that I really want to mention here is that when she discussed the idea of the S Stories initially, we were like, let's go ahead and do that, because this was one show which was different than the usual ones. How? And which is exactly what we loved about the concept. See, everyone is doing fashion, entertainment, blogging, etc., etc. But this was different. This was working on the topics which are really relevant and important. Topics that matter. Exactly. Yeah. And not just someone just using their own camera. But this is what we loved about the S Stories. Thank you so much. It's been 100 episodes, and we wish you all the very best. We Thank wish you. That you get you hit the centuries more. Woo! I love that. Thank you so much, ladies and gentlemen. The editor of the S Stories, Sasha Rani. All right, everyone. Hope that you guys enjoy this edition of the S Stories, because मुझे बड़ा मजा आया ये सारी चीजें सोच के देख कर, you know, the journey that we took. And I still remember the first day that I came up with this idea of the S Stories, कि एक ऐसा social media के ऊपर platform होगा जिसके अंदर issues of the society के बारे में बात करेंगे, travel logs भी होंगे. But मकसद सिर्फ ये था कि fluff based issues ना हो, you know, issues ऐसे हों जो कि आप और मैं relate कर सकें. But I'm just so happy over here at this point of time in my life. Thank you so much for supporting the S Stories, and I hope that you guys would continue to support us in the future as well. Have a great time. Inshallah, catch you guys on the next edition of the S Stories. Till then, keep the spirit alive. I am made to be free. I am made to be free. Myself and myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to, before I saw who I could be. Kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from. Was asking how real love should feel. Knowing that it's not just you, it's me. 'Cause
that's my choice. What I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. Feel when I know that it's not about you, just me.